लड़की ब्यूटीफुल कर दो टंकी फुल। ये सब प्रेशर चेंज करवाना भी मैंने सीख के रखा है, अगर फ्यूचर में कुछ काम नहीं मिला तो यही करवाएंगे। एक साल बाद खोलूंगा पिंकुन प्रेशर वाला। ये दोनों टूटे हुए थे, पता नहीं उन दोनों बच्चे ने तोड़े या फिर किसने तोड़ा, बट दोनों ऐसे टूट चुके थे। हाँ ठीक है, रुको देता हूँ, चलो। ओह माय गॉड, आइए देखते हैं, बैठ चल, मजा आएगा। गाड़ी कितना गंदा हो चुका है देखो यार, दो तीन दिन से बारिश हो रहा है, सो बारिश में मैं ड्यूक को चला रहा था, गाड़ी इतना गंदा हो चुका है एंड मेरे साथ दो दो कांड हो चुके हैं। देखो ये इंडिकेटर्स बिल्कुल टूट चुके हैं एंड साइड से ये मेरा क्रॉस गार्ड भी यहाँ से बेंड हो चुका है और कुछ क्रैचेस पड़े हैं। पहले घर से बाहर निकलते हैं, फिर कहीं पर रोड पे जाके रुक के बात करेंगे। आज थोड़ा धूप निकला है इसीलिए मैं सोच रहा था कि जाके गाड़ी को थोड़ा वॉश भी करा लूँ। एंड मेरे जिया को क्या हुआ, इसके इंडिकेटर्स कैसे टूटे, आप लोगों को पूरा स्टोरी बताना ज़रूरी है, सो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। बाकी पहले घर से निकल जाते हैं क्योंकि ना जब मैं व्लॉग बनाता हूँ तो घर वाले ऊपर से ऐसे देखते हैं जैसे कि कोई अजीब सा प्राणी निकल आया है उनके घर से। सो दिस इज़ द पॉन्ड जो कि मेरा बिल्कुल घर के पास है, तो यहाँ पर रुकते हैं एंड यहाँ पर आप लोगों को पहले अपडेट देता हूँ कि गाड़ी को क्या हुआ एक्चुअली। सो लेट्स कम टू द इंडिकेटर्स। अब मेरे इंडिकेटर्स को क्या हुआ, देखो बिल्कुल दोनों टूट चुके हैं, ये वाला तो पूरा ऐसे हिल रहा है। बाकी मेरे इंडिकेटर्स को क्या हुआ ना, जिन लोगों को नहीं पता, मैं ट्यूशंस करवाता हूँ ठीक है, एंड उस दिन मेरे पास मेरा सेकेंड बाइक नहीं था, ओनली जिया था, सो मैं जिया को लेकर चला गया ट्यूशन करवाने। गाड़ी बाहर था, बाकी कुछ बच्चे आके गाड़ी के चारों तरफ खेल रहे थे, मुझे पता था, मुझे लगे ठीक है खेल रहे हैं देख रहे हैं, बट जब मैं आया ना ट्यूशंस ख़त्म करके, ये दोनों टूटे हुए थे, पता नहीं उन दोनों बच्चे ने तोड़े या फिर किसने तोड़ा, बट दोनों ऐसे टूट चुके थे। सो अब बच्चों को तो कुछ बोल नहीं सकते, बट कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। फिर उस दिन लौटते वक्त रोड पे बारिश हो रहा था एंड लाइन कटा था ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था हमारे यहाँ, एंड ना ऐसे जैसे होता है ना रोड है यहाँ पर एंड साइड का ऐसे मिट्टी है नीचे, तो उस जगह पर भी थोड़ा मिट्टी था। मैं थोड़ा मूड खराब था इसलिए ध्यान नहीं गया रोड के ऊपर, मेरा गाड़ी का अगला टायर नीचे खिसक गया, सो गाड़ी भी स्लिप होकर गिर गया नीचे। एंड गिरने के बाद क्या हुआ है देखो, यहाँ पर देखो ऐसे स्क्रैचेस पड़े हैं, लिटरली दिस हर्ट्स मैन, मतलब 1.5 साल से गाड़ी खरीदा है, कुछ भी नहीं हुआ था मेरे बाइक को, बट 2 दिन पहले पहली बार ऐसा हुआ, यहाँ पर स्क्रैचेस पड़े हैं। बाकी एक क्रॉस गार्ड तो पूरा ऐसे सीधा था इधर, अभी पूरा मुड़ गया है, यहाँ पर भी स्क्रैचेस, ये हमारा ब्रेक पैड में भी स्क्रैचेस, साइलेंसर पे तो इतना बड़ा स्क्रैच पड़ा है देखो, बट क्या कर सकते हैं, मतलब गाड़ी को और कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, मतलब मैं लकी हूँ कि ये फाइबर पार्ट्स में कुछ लगा नहीं है। एंड रही मुझे क्या हुआ, लकीली मेरे गाड़ी ने मुझे बचा लिया, लिटरली मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, मतलब मैं भी शॉक्ड हूँ कि गाड़ी गिरा इतना बट मुझे कुछ नहीं हुआ, एंड हैप्पी फॉर दैट। गाड़ी एक मशीन है राइट, इसको रिपेयर किया जा सकता है, अब बॉडी को कुछ हुआ तो फिर वो रिपेयर रहता है बट याद नहीं मिटता ठीक है। सो मुझे कुछ नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी जिया में जो जो डैमेजेस हुए हैं उनको रिपेयर करवाएंगे। ये इंडिकेटर्स जो दोनों हैं ना, वो दोनों मैं चेंज करवाने का सोच रहा हूँ, बट अभी लग रहा है कि KTM के इंडिकेटर्स लगा के कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो जो KTM ओनर्स है वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि KTM के इंडिकेटर्स बहुत ही वीक होते हैं, मतलब थोड़ा ऐसे हाथ लगा के खींच भी धोना टूट जाते हैं। बाकी हस्कोवर्ना का इंडिकेटर देखा, बहुत ही स्ट्रांग है, लाइट भी बहुत ब्राइट आता है, तो सोच रहा हूँ उसका ही इंडिकेटर लगा लूँ। बाकी जब स्टॉक चेक किया गया तो वहाँ पर एक ही इंडिकेटर था, तो मैं पिछले वाले में एक ही इंडिकेटर थोड़ी लगाता, सो एडवांस दे के ऑर्डर प्लेस करके आया हूँ। बाकी हस्कोवर्ना का इंडिकेटर आने में 7-8 दिन लग जाएंगे, उसके बाद हस्कोवर्ना का इंडिकेटर भी इंस्टॉल करेंगे इसमें एंड थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस भी करेंगे क्योंकि स्क्रैचेस पड़ गए हैं। बाकी अब जो साइलेंसर में जो स्क्रैचेस है उसका शायद मैं कार्बन फाइबर वाला कलर या फिर कुछ रैपिंग करा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, बट यार ये बारिश के दिनों में अभी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लिटरली ऐसा गिरा मैं कि यहाँ पर पूरा ABS फेलियर का साइन आ गया। पहले लगता था कि हमारे KTM में जितने फीचर्स दिए गए हैं वो सब सफिशियंट है एंड मोर देन एनफ है, बट मेरे गिरने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज हुआ
कि रेन मोड भी जरूरी है गाड़ी में। आई नो KTM's बाइक्स आर वे मोर पावरफुल एंड वे मोर फीचर लोडेड देन इट्स सेगमेंट्स बाइक्स बाकी, बट इसमें रेन मोड चाहिए। जैसे अपाची RR 310 में हमको रेन मोड मिलता है, अगर इसमें रेन मोड होता ना शायद उस दिन मैं नहीं गिरता। बाइक को थोड़ा खींच के देखते हैं। Man, this feels so heavenly. यार इसके पावर से ना सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलता। और एक बार ड्रा करके देखते हैं। See, क्लचलेस शिफ्टिंग भी इतने स्मूथली होते हैं इस बाइक में। यार मैं तो भूल भी चुका हूँ कि इसमें क्लच भी है। जब से मुझे क्विक शिफ्टर का आदत लगा है मैं भूल चुका हूँ इसमें क्विक शिफ्टर भी मिलता है। अरे कहना क्या चाहते हो? हर किसी को नहीं मिलता यहाँ चालान जिंदगी में। लिटरली अनगुल में कल ना April 1st था, उस दिन इतना चेकिंग भाई, हर चौक पे नाके लगे थे यार। मैं कल घर से बाहर भी नहीं निकला। ओह माय गॉड, अब मैं आया हूँ गाड़ी धोने। पता ही होगा बुबू डिटेलिंग वर्ल्ड, हम वॉश करवाते हैं वहाँ पर रेगुलरली। बाकी यहाँ से हमें शायद जाना है राइट में, थोड़ा अंदर की साइड है तो ढूंढने में नए लोगों को प्रॉब्लम होता है, बाकी हम तो पुराने कस्टमर। हियर वी आर एट बुबू डिटेलिंग वर्ल्ड। Oh my God. गाड़ी मेरा वॉश हो चुका है, देख सकते हो तभी कितना डस्टी होके पड़ा था, बाकी अभी क्लीन हो चुका है। एंड ये इंडिकेटर्स देखो यार, लिटरली बहुत पेनफुल है। अभी देखो स्क्रैचेस पूरा प्रोमिनेंटली दिख रहे होंगे, यहाँ पर देखो ये वाला स्क्रैच। एंड ये क्रैश गार्ड भी पूरा गया है, साइड की तरह बिल्कुल मुड़ गया है। एंड यहाँ पर जो था सैंड की वजह से क्लियरली दिख नहीं रहा था, बट अभी देखो ये वाला लाइन। एंड यहाँ पर मैं वॉशिंग शॉप से आ चुका हूँ, अभी जाएंगे पेट्रोल भरवाने के लिए। हियर इज अ प्लेस टू ड्रैग। कब 103-110 पहुंच जाती है पता भी नहीं चलता। एंड क्लचलेस शिफ्ट्स, वाव। देखो अभी मैं सेकेंड गियर में हूँ राइट, हियर इज द पेट्रोल पंप। अभी करवाएंगे टंकी फुल। ओ माय गॉड, हेलो लड़की ब्यूटीफुल, कर दो टंकी फुल। भाई क्यों देखी तो मरो ना, वो देखना मार तोड़ रहा है भाई, इतना मार देखो वो फोटो बारे। आज भी तुम्हारा आ जाएगा ना वीडियो में। 1010 कैश दे देता हूँ, गाड़ी बहुत सस्ता है। 1000 प्रेशर भी डाल लेते हैं गाड़ी में, चलो
मिलते हैं। ठीक है, हियर इज द पेट्रोल पंप। अभी मैं हमेशा इस पेट्रोल पंप पे इसलिए आता हूँ कि यहाँ पर ना फ्यूल डालने से फ्यूल अच्छा क्वालिटी का मिलता है। एंड मुझे लगता है, ठीक है, मेरा ये मानना है क्योंकि मैंने फील किया है कि यहाँ पर पेट्रोल डालने के बाद मुझे माइलेज अच्छा मिलता है गाड़ी से। सो मैं और किसी पेट्रोल पंप जाता भी नहीं, बस यहाँ पर ही आ जाता हूँ। 32 Oh my God! सामने 29 ये सब प्रेशर चेंज करवाना भी मैंने सीख के रखा है। अगर फ्यूचर में कुछ काम नहीं मिला तो यही करवाएंगे। भाई यूट्यूब पैसा नहीं देता ना, सीखना पड़ेगा, करेंगे काम। एक साल बाद खोलूंगा पिंकुन प्रेशर वाला। चलो निकलते हैं, बाय बाय बाय। फ्यूल का डंडी बिल्कुल फुल है, यही होता है सेटिस्फेक्शन हमारे लिए। अभी घर चलते हैं सीधा, एक लास्ट बार गाड़ी को खींच के चलाते हैं, फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। यहाँ से हम जाएंगे लेफ्ट की तरफ एंड आप जाइए किसी और वीडियो की तरफ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, मिलते हैं आपको किसी और नए वीडियो में। टिल देन ऐसे ही व्लॉग्स देखते रहिए, प्यार बरसाते रहिए। लास्ट में मैंने दो वीडियो के लिंक दिए हैं, वो देखना मत भूलिए। तब तक के लिए बी सेफ, राइड सेफ। दिस इज पिंकुन मोटो ब्लॉगर साइनिंग ऑफ। बाय बाय गाइस।